नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन टिकट के बारे में। जब आपके दिमाग में यात्रा को लेकर बात आती होगी तो आप यही सोचते होंगे कि जितनी जल्दी हो सके टिकट बुक करवा लिया जाए। ऐसे में हम रेलवे स्टेशन जाने से पहले ऑनलाइन टिकट लेना पसंद करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रेलवे आपसे ऑनलाइन टिकट को लेकर 10 रुपये से लेकर 40 रुपये तक का अतिरिक्त वसूली करता है और हम लोग मजबूरी में आकर ऑनलाइन टिकट लेते ही हैं। ऐसे में यह भी बताया गया है कि रेलवे ने जनरल टिकट से लेकर स्लीपर या फिर AC क्लास से लेकर सभी कैटेगरी के यात्रियों में एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है। बता दें कि इस पूरे मसले को लेकर केंद्रीय सूचना आयोग ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए अतिरिक्त चार्ज लेने पर रोक लगाने को कहा है। रेलवे द्वारा अतिरिक्त वसूली को लेकर यह मसला केंद्रीय सूचना आयोग के पास पहुंच गया। आयोग ने यह कहा कि रेलवे प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट की माने तो यह जानकारी RTI की तरफ से मिली सूचना के आधार पर बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इस सूचना को RTI एक्टिविस्ट प्रकाश अग्रवाल ने अपील किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि रेलवे ऑनलाइन माध्यम से टिकट की बुकिंग के दौरान यात्रियों से अतिरिक्त पैसे की वसूली कर रहा है। इस पूरे मसले पर सुनवाई करते हुए 29 अप्रैल को सूचना आयुक्त उदय महुरकर ने रेलवे को कहा कि ई टिकट बुकिंग करने वालों की संख्या अधिक है, इससे ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं। ऐसे में रेलवे को इस पर विचार करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि रेलवे को ई टिकट पर लिया जा रहा चार्ज कम करना चाहिए। एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपको पटना से रांची जाना है तो आपको स्लीपर क्लास में 255 रुपये देने होंगे, लेकिन जब आप ई टिकट बुकिंग करते हैं तो आपको कन्वीनियंस चार्ज के रूप में अलग से 17 रुपया 70 पैसे देना होता है। इतना ही नहीं, अगर आपने नेट बैंकिंग का इस्तेमाल किया है तो आपको अलग से 10 से 15 रुपये चार्ज काटे जाएंगे। इस हिसाब से देखेंगे तो पहले यह टिकट 255 रुपया, फिर प्लस में 17 रुपया, तो ये पूरा किराया हो गया 272 रुपये का। और अगर आपने इसमें नेट बैंकिंग का पैसा अगर आप जोड़ता है तो यह 10 रुपये और जुड़ जाएगा, तो इस हिसाब से यह पूरा जो रकम हो जाएगी वो 282 रुपये का हो जाएगा, जबकि यह टिकट जो है मात्र 255 रुपये का ही है अगर आप टिकट काउंटर से इस टिकट को लेते हैं तो। ऐसे में RTI एक्टिविस्ट प्रकाश ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए कहा कि आज देश में डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन ई टिकट के नाम पर अलग से चार्ज काटा जा रहा है। ऐसे में कैसे लोग डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ेंगे जब उन्हें उसी टिकट के लिए अलग से 30 से 40 रुपये का किराया देना पड़ता है। साथ ही साथ केंद्रीय सूचना आयोग ने भी रेलवे को आदेश देते हुए कहा कि रेलवे से देश का एक बड़ा तबका प्रभावित होता है, ऐसे में रेलवे को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ उन्होंने कन्वीनियंस समेत लगने वाले अलग अलग चार्जों को कम करने की बात कही है। ऐसे में हमें भी लगता है कि रेलवे को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से 17 रुपये और उसके बाद ई टिकट के नाम पर जैसे पेटीएम से अगर हम करते हैं या फिर नेट बैंकिंग अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमको अलग से चार्ज देना पड़ता है, इस पर भी जो है रेलवे को यह सारे कटौती जो यानी कि जो अलग से चार्ज लगाए जा रहे हैं इसको कम करने की ज़रूरत है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।